बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुश आमदीद। जैसे कि हम क्लास 9th स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमने इसकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। इसकी रेडिकेंड और इंडेक्स हमने बतानी है, ठीक है। देखिए अब रेडिकेंड क्या होता है, इस रेडिकल साइन के जो अंदर क्वांटिटी होती है, तो 5 क्या है रेडिकेंड, ठीक है, 5 क्या है रेडिकेंड है, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 3, तो हमें ये चीज़ बतानी थी। इसकी देखिए अब इसकी इंडेक्स क्या है 4, ठीक है, इंडेक्स क्या है ये 4 इंडेक्स है, और ये क्या है ये रेडिकेंड है, ठीक है। तो रेडिकेंड में क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई आएगा, ठीक है। तो हमें यही चीज़ बतानी थी, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। इसकी देखें इसका रेडिकेंड क्या है, रेडिकेंड क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, ये रेडिकेंड हो गया, और ये क्या है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 1 अपॉन इंडेक्स है जस्ट ये 5, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं, कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंट हम किस चीज़ को कहते हैं, हम एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। आपको पता है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2, तो हम लिखेंगे 3 अपॉन 4, और ये इसका वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो ये कन्वर्ट हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। दूसरा करते हैं, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, और ये है पावर 5, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, रेडिकल की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, तो 5 को 1 अपॉन 2, पावर को पावर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, 5 1 5, नीचे इसके नीचे भी 1 है, 1 2 2, तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ गया। तीसरा करते हैं, ठीक है, इसकी भी जो एक्सपोनेंट है ना, ये क्या है पावर है जो -5 है, तो हम लिखेंगे वाई अपॉन एक्स -5। देखें ये जो 3 है, तो ये केस कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 3, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है 2 कहाँ आ गया, अपॉन में, यहाँ पर भी अंडरस्टूड होता है 2, तो ये अपॉन में आ गया, ठीक है। अब देखें इसकी जो एक्सपोनेंट है ना, ये हमें पॉजिटिव बनानी है, ठीक है, तो पॉजिटिव बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, 5 अपॉन 3, ये इसका क्या है एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब देखें ये कर रहे हैं हम वाई जेड, ठीक है, वाई जेड ये क्या है 7, ठीक है, तो ये 3 है, 3 कहाँ पे आ गया अपॉन में, तो ये जस्ट अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये आप खुद से कर लें। अब इसका हम 5वां है, ये अब 6ठा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पार्ट 6 कर रहे हैं, -64 इसकी पावर क्या है 2, और ये क्या है क्यूब रूट, इंडेक्स क्या है 3, तो अब कैसे लिखेंगे हम -64, ये क्या है 2, ये जो इंडेक्स है ये किस चीज़ में आ जाएगी अपान में, ठीक है, ये यहाँ पर भी देखें अपान में आ गई, ये भी अपान में आ गई, ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया। ये भी आसान है, 1 अपॉन 2, पावर क्या है एम, ये जो इंडेक्स है कहाँ आ जाएगी अपॉन में आ जाएगी, तो ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन आप खुद से कर लें, और अब ये जो 9 नंबर है थोड़ा ट्रिकी है, तो ये मैं खुद करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या है 4 अपॉन 3, अब इसकी क्या है ये रेडिकल साइन, रेडिकल साइन का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 2, ठीक है, फिर क्या है ये क्यूब रूट है, तो इसको हम हटाते हैं, तो कहाँ देते हैं 1 अपॉन 3 में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें पावर को पावर के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, और 2 को 3 के साथ 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 पावर 1 अपॉन 6। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे किसको, रेडिकल एक्सप्रेशन को। अब हम तीसरा पार्ट करेंगे, अब हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब देखें ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में, तो ये देखें ये 5,
ठीक है, पावर को पावर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, यहाँ इसके नीचे क्या है वन, वन को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेवन। ठीक है, तो अब देखें ये फाइव, ये पावर हो गया थ्री। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये किस चीज़ में चला जाता है, इंडेक्स में चला जाता है, तो ये इसकी क्या हो गई, रेडिकल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, देखें अब ए बी ये क्या है, बी इनवर्स टू, ठीक है इनवर्स टू। अब ये देखें जो अपान वाला नंबर है सेवन था, इंडेक्स में चला गया, तो ये किस चीज़ में चला जाएगा, इंडेक्स में। अब देखें यहाँ पर पावर क्या है, नेगेटिव है, मैं पावर को पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो ठीक है क्या करेंगे, अब ये हो गया ये थ्री सेम, ये ए सेम। अब ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टू, नीचे आएगा तो पॉजिटिव टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पावर को पावर के साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया फाइव अपॉन सेवन। ठीक है, थ्री को फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, इसके नीचे वन है, वन सेवन ज़ा सेवन, तो ये नीचे जो सेवन है ये किस चीज़ में चला जाएगा, ये इंडेक्स में चला जाएगा। फाइव अपॉन सेवन, यहाँ पर सेवन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रह गया पावर में, फिफ्टीन, ये क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखें ये क्या है टू, ठीक है, तो अब ये पावर क्या है, नेगेटिव है, हम लिखेंगे माई बी अपान ए। ठीक है, और ये टू है, टू अगर डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स में, तो यहाँ पर टू देने की ज़रूरत नहीं है, अंडर स्टूड है कि इसकी वैल्यू क्या है, टू है, यहाँ पर टू होता है तो देने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर हो गया माइनस एम। अब देखें ये पावर क्या है, नेगेटिव है, इस पावर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, तो जस्ट इस बी अपान ए का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे ए अपान बी, ये ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गई रेडिकल साइन में कन्वर्ट हो गया। अब देखें ये क्या है, इलेवन अपान थर्टीन, और ये है ट्वेल्व अपान थर्टीन। ठीक है, ये फाइव डिनोमिनेटर में, ये कहाँ चला जाएगा, ये इंडेक्स में चला जाएगा, ये इंडेक्स में चला गया, तो ये इसका आंसर। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करें। देखने के लिए शुक्रिया।